गाइस तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें, जो कई बार आप लोग गलतियां कर देते हैं यार, कमेंट करते हैं बार बार वहीं जगहों का वीडियो बनाने के, तो ऑलरेडी मैं वहां का वीडियो बना चुका हूं, जैसे श्रीधर मार्केट कपौवा या फिर बड़ा ज्योति सर जगहों का वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग जाए वीडियो में देख सकते हैं यार, बार बार आप लोग कमेंट करते हैं वही चीज़ें हर वीडियो पर, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। और अगर आप याद रहे कि 5 से 6 लोग कमेंट करेंगे तभी मैं किसी मार्केट का वीडियो बना पाऊंगा, जैसे कि उतरौला से 30 से 32-33 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे 5 से 6 लोग कमेंट कर सकते हैं, तो या फिर दोस्तों से कह दें या दोस्तों का मोबाइल लेके हे गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन, यू आर वाचिंग माय चैनल लाइफ इज अ ट्रैवल जीएम। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस तो आज का वीडियो मैं कुछ लेके आ चुका हूँ महुआ बाजार का, तो जिन्होंने किया था कमेंट उनका नाम था यहाँ पर देखने, कुछ नाम है जो शो हो रहा होगा, अमरजीत मौर्या, तो इन्होंने क्या था कमेंट कि भाई महुआ बाज़ार का वीडियो बनाए, तो हमें पहले महुआ बाज़ार था एक्चुअली पता नहीं था, और कई लोगों ने भी कमेंट किया था जिनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी दिनों पहले वो लोग कमेंट किए थे, तो इससे पहले मैंने बनाया था महुआ धनी, तो मुझे वही कुछ समझ में आ रहा था कि अलग मैं बना के रखा हूँ, तो फिर बाद में कई लोगों से पूछने के बाद पता चला कि महुआ बाज़ार एक है जो अगर आप उतरौला टू बस्ती के लिए जाते हैं तो फिर बक्सरिया एंड चदरपारा हासिमपारा चिरकुटिया उसके बाद में वहाँ बाज़ार मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं, यहाँ से जो उसकी डिस्टेंस है गाइस वो 18 किलोमीटर है। तो फ्रेंड अभी फाइनली हम इस रास्ते से आए हुए थे, तो अब चलेंगे इधर, और ये रहा मेरा कुछ साइकिल। और आप लोग यार थोड़ा जो कमेंट करते हैं कमेंट में थोड़ा एड्रेस जो है वो सही दे तो फिर बढ़िया रहे। यहाँ से जो व्यू है ना देखने को मिलता है काफ़ी हरा भरा, ये देखने कुछ ताल और ताल के अंदर है जो इसे तरपड़ा वगैरह भी बोलते हैं, जो पानियों में काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा से यानी कि नमी रहता है पानी के ऊपर अगर रहेगा तो फिर पानी फिट नहीं हो पाती। ये गांव जो दिख रहा है आप लोग को, इस गांव में हम लोग पहले मैच आते थे खेलने, गाँव का नाम पता नहीं। अभी जो मैंने आप लोग को दिखाया था ना, अरे चित्रपारा मार्केट से पहले का कुछ सीन जो गांव था उसे पिपरा गांव बोलते हैं, तो एक्चुअली मैं आ रहा था बनाते हुए चित्रपारा मार्केट में, तो उन्होंने कहा भाई मेरे गांव का भी थोड़ा वीडियो बना लीजिए, तो मैं सोचा चलिए रास्ते में चल रहा हूँ तो बना ही लेता हूँ। जो आप लोग को मैंने दिखाया था कुछ जो दो मस्जिद दिखाई दे रहा था, तो कई लोगों ने यार वहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, तो ऐसे ही अगर इंक्रीज होता रहे रास्ते में चलते हुए तो काफ़ी मस्त रहेगा। तो फाइनली भी हम चलते हैं और इसके बाद जो है हमें मिल जाएगा हासिमपारा मार्केट। ओके सभी, जैसा कि हमने छिदरपारा हासिमपारा और उससे पहले जो बक्सरिया गांव था वो यानी कि बक्सरिया मार्केट था, तो ये सारी चीज़ें मैंने क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद में भी रास्ते में ही जा रहा था तो एक भाई साहब मिले थे, एक देख लिए कुछ साइकिल से जो चल रहे हैं और मैं भी एक चीज़ साइकिल से ही हूँ, तो ये जो है महुआ बाज़ार के ही रहने वाले हैं, तो महुआ बाज़ार के थोड़ी सी दूरी पर गांव है कोई, तो गांव का नाम क्या भाई? गौरियंडी। तो जी हाँ सुने आप लोगों ने, जैसा कि ये बता रहे हैं कि मेरे गाँव का नाम गौरियंडी है, उनका नाम है जो रजाक हुसैन, अभी कच्चा पाँच में भाई पढ़ते हैं, तो इधर बैक में देख लें कुछ जो पेट्रोल पम्प वगैरह बन रहा है, जो चिरकुटिया के लिए जाएंगे तो आप लोग को अगर उतरौला के साइड से होकर आते तो लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा ये पेट्रोल पंप, जो कि बनना बहुत ज़रूरत था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ता था यहाँ रास्ते में पेट्रोल लेना पड़ता था, तो जो जैसा कि पेट्रोल पंप पे 70 होता है तो फिर मार्केट में 100-110 का ही मिलता था फिर, तो चलिए फाइनली अब हम दिखाते हैं आप लोग को चिरकुटिया मार्केट। ओके फिर तो ये चिरकुटिया मार्केट में कुछ सीन है, जो बीच मार्केट में हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हमें काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो तय करना है, तो यहाँ का जो वातावरण काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है, मतलब आप देखने का यही का नहीं, और यहाँ पर देखने सब्जियों की दुकान वकान काफ़ी है, और जो मैं अपना चैनल था वो क्रिएट नहीं पे किया था, आकर जियो का टावर लगा हुआ था जो फर्स्ट टाइम, अभी हमने 4 से 5 मार्केट है जो आप लोग को दिखाया था, तो ये कुछ इतना ही मुझे मालूम था, उसके बाद में पड़ता है गोवर्धनपुर चौराहा, तो ये देख लें कुछ जो मैं भी बीचों बीच मार्केट चौराहे के अंदर उतरे तो इस तरीके से देख।
वैसे अगर आप लोग चिरकुटिया के बाद में आते हैं तो इस साइड का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा बम्पी है ऊपर खाप जाने की। तो अभी जो मैंने आप लोग को चौराहा दिखाया था वो था बकवा चौराहा, जो काफ़ी छोटा सा है इतने तो मानी बस जस्ट हम पहुँचने वाले। तो यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है महुआ बाज़ार का वो 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे देखें चारों तरफ है जो पानी ही भरा है, ना कि खेत दिखाई दे रहा है। तो ये देखें दोनों मतलब साइड से जो है पानी और बीच में है रास्ता। तो इस जगह पे मैंने देखा है जो गांव है वो काफ़ी दूरी पर, आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा कुछ वाइट कलर से, यहाँ पे जो गांव है वो काफ़ी दूरी दूरी पर है। हम महुआ मार्केट में पहुँच चुके हैं कुछ, ये देख लें जो मैं 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ डाउन साइड में जो देख ले जो मीटर वीटर लिखे हुए होते हैं, तो अभी साइड में हम चलेंगे। अभी साइड से जो है उतरला के साइड से होकर आए हुए थे, तो आई थिंक जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस मार्केट का। तो चलिए बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ पूरी मार्केट किस तरीके से, तो बने रही है कंटिन्यू से देखें कुछ इस तरीके से जो मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब मार्केट के अंदर हम चलते हैं और दिखाते हैं पूरी मार्केट। दिख रहा है या मदरसा है फिर या मस्जिद है, तो आई थिंक जो है वो मदरसा ही है। तो ये मार्केट का कुछ व्यू है जो देखने इस तरीके से है मार्केट, और यहाँ का जो मौजा है गाइस वो 6 गांव से मिलकर बनता है। पोस्ट जो यहाँ की है काफ़ी लंबा है, वो उतरोला में बताया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो है बलरामपुर है, और जो ब्लॉक है वो भी गढ़सा बताया जा रहा है। तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रहा है फिर। तो इस तरीके से है जो ये देख रहे मार्केट का व्यू। और बात करें यहाँ के मार्केट में जो एजेंसी है वो 3 एजेंसी है। पहला जो ये देखें हीरो, फिर जो सेकंड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोग को TVS का, और ये उसके जस्ट साइड में जो है होंडा का एजेंसी है। तो यानी कि तीनों का तीनों जो है वो एजेंसी बाइक का ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से है जो मार्केट दिखता है फ्रेंड, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन मुझे ये चीज़ करता है। अगर अमरजीत भाई आपको मालूम है कि इस मार्केट का जो ब्लॉक है वो है कहाँ, तो यार आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि किसी को इस चीज़ को जानने के बाद में कोई किसी किस्म का तकलीफ ना हो और उन्हें बुरा ना लगे। तो यार इस तरीके से है मार्केट। और बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे फेमस चीज़ जो खाने के लायक हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि TR2 यहाँ पर देख रहे जो मास्क में दिख रहा था वाइट कलर का। तो इस तरीके से मार्केट जो काफ़ी प्यारा और काफ़ी बड़ा है, जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट टाइम दिखाया था कि यहाँ गई उन चीज़ों के अभी नहीं है, तो 1 किलोमीटर से भी ऊपर है गाइस। तो ये देखें इसी तरीके से है मार्केट। तो यहीं से हम करते हैं स्टॉप और चले इस मार्केट के अंदर। कोई एक दुकान यहाँ पर देख लें जो मोमिन लस्सी, यहाँ पर देख लें मोमिन लस्सी, इसके अंदर चलेंगे दिखा दें हम लोग को कुछ ये देखने को मिलता है व्यू जो काफ़ी सजाया और बसाया गया है यूँ समझ लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन बात करें कस्टमर नहीं आते हैं जो कि रहता है लॉकडाउन की वजह से लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड फाइनली इस तरीके से देख लीजिए दुकान का व्यू। तो यहाँ से देखें कुछ जो मार्केट है वो ख़त्म होता है महुआ मार्केट। तो फ्रेंड आप लोग चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, Instagram साथ ही साथ इंग्लिश पे। और यार कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि श्री दत्तगंज मार्केट का वीडियो बनाओ और बड़ा जोत का, तो यहाँ का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग चाहिए और वीडियो में देख सकते हैं। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जरूर करें सब्सक्राइब, और साथ में दबा ले बेल वाली घंटी को दबाते समय जाकर आल जरूर सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड। तो ये देखने कुछ इस तरीके से है, तो यहीं से है फाइनली, ये देखें कुछ बैक कैमरे में दिखा रहा हूँ हम लोग पूरे डिटेल में। तो यहीं से मार्केट है जो खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।